करम है शहबत।
सुहानी महबूब मोहब में नहीं तेरा मेरा यानी में सुहान अकबर या रसूल या
انني في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا يشكى नहीं और को
हो यहीं आके हो जो बगान से हो यहीं आके हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ गदा हूँ अपने करीम
दीन पा क्या बात है, कैसी बात आपने कर दी है।
मैंने कहा कि देखो इसने एक आयत की तशरीह की है अपने शेर कुरान के सौत नबी कि अपनी आवाज को नबी की आवाज समझा ना करो ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमालदार है और तुम्हें पता नहीं चलता। और उसी शेर उसी आयत को इसने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि ले सांस भी आहिस्ता खाने पर मेहमानों को दोस्तों को बुलाएं ताकि वो खाने से उसकी तदारीन भी रहे। आप देखे दावत तो शीरतुल्लाकबीर ने जब दावत पैगाम देना था सबसे पहले उन्होंने अपने अकरमीन को इकट्ठा किया उसमें अलग से अकरम भी थे और एन से अकरम भी एन से अकरम जो है वो बिच्छू के मन में भी आता है और अलग से अकरमीन अपने रिश्तेदारों में भी आता है सबको इकट्ठा किया और दावत इस्लाम दी और उनको बताया कि मैं दुनिया में कैसा पैगाम देने लगा हूँ जो दीन और दुनिया में फैला दे। इन अल्फाज को मुख्तसर करते हुए और भी रिड्यूस करते हुए मैं भाई फरहान साहब को भी कहूँगा कि आप वो अपना कलाम पेश करें रिजवान साहब को कि वो अपना कलाम पेश करें और वो इंशाल्लाह ताला ताकि इस महफिल को ऐसा था देखते हुए वो आप सब की तरफ जाएँ और वो भी अपना कलाम हमें सुनाएंगे ये ना हो कि वो हम रुक जाएँ चले जाएँ गुजारिश करूँगा। उसके बाद मैं शाह साहब से भी कुछ अपनी गुजारिश अपना नतीजा अपनी उम्र का जो उन्होंने जिंदगी में गुजारा वो वक्त है। देखो आप लोगों का फर्ज है आप लोगों का फर्ज है कि हमसे ऐसे नतीजे पर पहुंचे हमसे कुछ ना कुछ हासिल कर सके। आज मेरे और वो जरा वो कल नाते जाना में कितनी मंजिल
हो सकती है
मगर सलाते माम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लो फेस में हर किसी की कोई गुंजाइश नहीं थी। और ऐसे भी थे जिन्होंने सोए रोश पर नजर डाली तो बेख्तियार पुकार उठे कि खुदा की कसम ऐसे नूरानी चेहरे पर बातों की शरी मौजूद है। और हकीकत यह है कि इल्म रसूल, इखलाक रसूल, जमाल रसूल, कमाल रसूल, सीरत रसूल, शुजात रसूल, सखत रसूल, बलागत रसूल, हिकमत रसूल, हुकूमत रसूल, गरज के हर फजीलत रसूल फजीलत खुदावंदी की। या फजीलत खुदावंदी फजीलत रसालत में यूं आकर चमकी जैसे नहरे कौसर में आफ्ताब की ज़िया, इंसान के तमाम सूरत की चमक। देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये मैं जो रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त और तौसीफ़ बयान कर रहा हूँ, हमारे सियालकोट के भाई आप सब जानते हैं असरफ सुदाई साहब थे, बहुत बड़े शायर थे, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने मेराज पर कही है। कुरान में आयत सुहाना नदिया साहब या दूसरी तर्जमानी उन्होंने शेर में कही है, फिर मैं जनाब नाथ खान साहब को दावत कलाम दूंगा कि पढ़ें और दुआया कलाम मात हो और फिर खाने का अहतमाम हो और हम भी उनसे भाई घर से जाते थे। कुछ इनसे भी एक दो जुमले अपनी जिंदगी के अनमोल मोती इनसे भी शायद सबसे मैं समझता हूँ कि सनात का एहतराम इतना वाजिब है कि अल्लाह ने हमें आजर दिया है, हुक्म दिया है रसूल के लिए कि मैं तुझसे कुछ अजर नहीं चाहता, न नमाज का अजर है, न रोजे का अजर है, न हज का अजर है, न कुछ अजर नहीं चाहता सवाय इसके कि मेरे रिश्तेदारों से, मेरे कारोबारों से और मेरी अहले बैत से तुम मोहब्बत करो। अल्लाह, अगर आज आप मोहब्बत नहीं करते उनसे जैसे तो हमारी आप कुछ खराब होगी, इनका कुछ नहीं जाएगा। हमारा फर्ज बनता है कि आज मोहम्मद की और के खानदान जिससे भी नस्बत कह दी है, हमें ये इम्तियाज नहीं करना कि यहाँ ये है भी है कि नहीं है, हमें ये देखना जिसने कह दिया उसका एहतराम करना वाजिब है। बेशक तो मैं वो अफसर सुधाई उसी शेर था जो कुरान की याद की तशरीह उन्होंने की है शेरों में। कुरान तो शायरी का कलाम नहीं है, मगर अल्लाह ने भी कुछ ऐसी चीज़ें आप देखें कि काफ़ी और हदीस इतने खूबसूरत बनाए शायर भी हैरान हो गए। वो कुरान की याद लिखी गई थी बेहतर और शरीफा इन्ना आता है नकल का होता गुस्सा ले रब कवान हार इन्ना शायन का होगा लगता, तो शायरे सारे शायर हैरान हो गए थे कि ये किस तरह का शेर है। तीन फिक्र या चौथा फिक्र बन नहीं रहा था, तो उन्होंने चौथा फिक्र कर लिया कि ला हाथा कलाम बेशक ये बंदे का कलाम है, तो उसका कलाम इस कदर खूबसूरत है। अगर आप कलाम को पढ़े थोड़े थोड़े नसों में बयान करें, चंद चंद आयते याद करें, एक दूसरे को ये बदलते रहें तो हमारी जिंदगी भी बेहतर रहेगी। और रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को भी बयान करते रहेंगे। उन्होंने कहा उठे जबरील बनाना मेरे रूप को आज बस खत्म में कदम लगाऊँ फिर आपको दावत कलाम दूंगा, आप पढ़ें और खाने का अहतमाम और भूख भी लगी हुई होगी और उसको हम जो चाहते हैं कि अच्छा बार बार यहाँ खाने से नाज आ रहे ये बरकत है नहीं ये बरकत है क्योंकि ये नहीं है खाने के लिए कोई जरूरत नहीं होती, ये बरकत के लिए होता है ना 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 हम खाने के लिए मोहब्बत के लिए हम सब मोहब्बत के लिए ये कैसी चीज है। ये इस्लाम का कायदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो दावत दी है अल्लाह पाक ने इनको ये रहमतों से नवाजा है, इतना खूबसूरत घर दिया, बच्चे दिए, कामयाब किया, अच्छे कारोबार में शिरकत करें, अपने दोस्त बनाए, मकसद अपने दोस्त बनाए। हम ये खुश नसीब हैं कि हमारे पास ये इतने खूबसूरत दोस्त हैं, वहाब साहब हैं, भाई अबूबकर साहब हैं और इमरान साहब इतने अल्लाह पाक की मेहरबानी हमारे पास दोस्त हैं। हमारा एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते में मुख्तलिफ खुशबुएं हैं, ये अच्छा प्यारा गुलदस्ता है जिसका हम जब भी देखा जाएगा हमारी इज्जत भी बढ़ेगी, हमारी शान बढ़ेगी। हाँ तो मैं आता हूँ वो उसी कलाम पर, तो वो कहते हैं उठे जबरील बलाना मेरे महबूब को आज, उठे जबरील जितना खूबसूरत आपने पढ़ा नहीं कर सकता, ये बड़ा मुश्किल कलाम है। उठे जबरील बलाना मेरे महबूब को आज, वो शहनशाह मदीना दूसरा का मुख्तार सब चुका कर रहा है, जबरील ले आकर जबरील वो तो बंदा तेरे बंदों का भी है खिदमतगार, तेरा फरमान मुबारक हो कबूल, और वो तो इब्लीस था जिसने किया से इनकार, आ गया आँख झपटने में जमीन पर जबरील, आके क्या देखता है कसद मौला करीम कि जितने माफ खामियां शाहे बरात आके तलवों से मली और बसती जिस कहा उठी हजरत के बनाता है खुदा को फात जिसके जलवे को तरसती रही जिसमें कलाम, जिसके जलवे को तरसती रही जिसमें
उसका फरमान है हमारे प्यारे नाथा। इनकी एक बात बड़ी खूबसूरत मुझे आज भी याद है कि मुर्तद कब्र में जा कि देख के क्या होता है, कितना वो दिन दर अपना सुनाएगा नदोशी सालों का मुर्तद वो मुर्तद नहीं होगा तो सही नहीं होगा तो आदि शाम दे सुनाएगा बड़ी शाम दे काम से और मुदा भी सही बार भी सबसे पहले हमारे पीर से भी करना जिसके पीर से भी करना Oh
I'm
कसम हमको मोहता जिसके से और फना के बाद फिर मुझे
के शहीद कर रंग है तुझमें अली का मोहम्मद की अबू दौड़ता है।